जय हिंद एस्पिरेंट्स, अगर आपने इस साल का सीडीएस का एग्जाम दिया है या आपने सीडीएस का पेपर देखा है तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि पैटर्न में आपका हल्का सा चेंज है। ठीक है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस है, यूपीएससी ने धोखा दे दिया हमें। ठीक है, लेकिन बस कहने की बातें हैं, डराने की बातें, इतना कोई खासा चेंज नहीं आया है। इतना चेंज तो आपका यूपीएससी हर साल ही लेके आती है, बस हम ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, तो यूपीएससी कमीशन है, उसके पास फुल अथॉरिटी है, पावर है, तो वो चेंज ला सकते हैं पैटर्न में, हम इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। हमें फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा यूपीएससी के पैटर्न के साथ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हल्के हल्के पैटर्न में चेंजेस आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो होता है और वो सोचते हैं कि तैयारी में ऐसा क्या करें कि उनका जो चेंजेस हैं इससे उनके ऊपर फर्क ना पड़े। तो उन्हीं तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप अपनी तैयारी में इंक्लूड करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट इन क्लास हो जाएगी और इन चेंजेस का आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज तो यह है कि जब आप सीडीएस की तैयारी करो तो आप अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करो। देखो अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स कट ऑफ चेक करते हैं और कट ऑफ में ये देखते हैं कि आपको सिर्फ टोटल मार्क्स का 50% मार्क्स चाहिए और आपका पेपर क्लियर है। अगर हम ओटीए की बात करें तो भी समवेयर अराउंड 50% मार्क्स आपको चाहिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज ट्रू फॉर एएफए, आईएनए एंड आईएमए एज वेल, कि अगर आप टोटल मार्क्स का 50% स्कोर कर रहे हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इससे लोगों के मन में परसेप्शन बनती है कि अगर हम कुछ सिलेबस का पार्ट छोड़ भी देंगे तभी भी हम अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। डेफिनेटली यार कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप किस्मत के भरोसे हो, क्योंकि अगर आपका पैटर्न में चेंज आया और जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो एग्जाम में नहीं आई तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप स्ट्रेटेजिकली सब्जेक्ट्स को चूज करोगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तभी तो स्टूडेंट्स हिस्ट्री ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इस बार का क्वेश्चन देखो आप एक बार हिस्ट्री के। ठीक है, कल्चर के क्वेश्चंस थे, बेसिक हिस्ट्री तो आपकी थी ही नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के जिसके 10 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आया करते थे बिल्कुल ही कम कर दिए क्वेश्चंस आपके। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज करके पढ़ोगे तो आपका जो रिस्क है वो रहेगा और आपके जो चांसेस हैं एग्जाम को क्लियर करने के वो 100% नहीं हो पाएंगे, थोड़े बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एग्जाम को क्लियर करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बागडोर है वो एक किस्मत के हाथ में है ना, आप नहीं छोड़ सकते उसको वैसे। तो किस्मत के ऊपर बात नहीं छोड़नी है, अपनी तैयारी को डाइवर्सिफाई करना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अक्सर यही होता है ना कि साइंस वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं और आर्ट्स वाले उल्टा करते हैं और साइंस वाले इग्नोर कर देते हैं। इस बार नहीं करना है, तैयारी को डाइवर्सिफाई करना है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है। देखो चैलेंज तो होगा आपके लिए, अगर आपने ट्वेल्थ के बाद कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया है, आपकी उसके साथ रूट्स नहीं जुड़ी हुई हैं, तो सिंपल सी बात थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आप ग्रेजुएट होने वाले हो। ठीक है, और आपका लेवल जो है सीनियर सेकेंडरी से ज्यादा है, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हो, उसको एक उसके ऊपर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। जहां पहले 5-6 महीने लेके चल रहे थे वहां पे आपको 1-2 महीने और देने पड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आप सारे सब्जेक्ट्स करो, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपके पेपर क्लियर होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे जिनको आप इग्नोर करते थे, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स इकोनॉमी को इग्नोर करते हैं, उनको शायद कुछ डर होगा इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमी आपके सीडीएस में आती है और पिछले 3 सालों से क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल नॉर्मली आपके 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं जीएस के पेपर में, जीके के पेपर में, वो आपके इकोनॉमी के होते हैं, तो आप इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। मोर ओवर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तब भी आपको इकोनॉमी की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, अगर आपको उन करंट अफेयर्स को याद रखना है तो इकोनॉमी को पढ़ो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इससे। दूसरा सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को हम एज अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, सीडीएस के पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं, तो आपको हल्का सा देखना पड़ेगा कि आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करने लायक जो नॉलेज है आपको गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है अपनी तैयारी के लिए वो ये है कि आपका पैटर्न वैसे तो हर सब्जेक्ट का ही चेंज हुआ है, लेकिन 2 का पैटर्न ना चेंज हुआ है ना आगे होने के चांसेस है। पहला सब्जेक्ट है आपका साइंस। रिसेंट टाइम्स में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी हर एक के पैटर्न में हल्के हल्के चेंजेस आए हैं, लेकिन आपका जो साइंस का पैटर्न है वो वहीं का वहीं रहा है। जितने क्वेश्चन साइंस के आपके 3 साल पहले आते थे उतने क्वेश्चन साइंस के आपके इस बार भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे, कुछ खासा चेंजेस आपके साइंस के पैटर्न में नहीं आए हैं। और आपको पढ़ना सिर्फ वही है 9th और 10th लेवल की साइंस,
अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है आप उसको पढ़ लेते हो, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर पाते हो, यू आर गुड टू गो विथ साइंस। इतनी मुश्किल नहीं है साइंस आपकी। बस मन में डर बैठा होता है आर्ट्स के बच्चों में कि साइंस नहीं पढ़नी है, साइंस तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखो जब शायद हो सकता है जब आपने साइंस को छोड़ा हो 10th क्लास के बाद, तब आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बनी हो, तब आपका दिमाग इतना विकसित ना हुआ हो। अब आप एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके माइंड में डेवलपमेंट हुई, जो कंसेप्ट आप तब नहीं समझ पाए अब आप समझ सकते हो, तो बिल्कुल आपको साइंस की तरफ जाना चाहिए, आपको साइंस को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, लेकिन आपका करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो नहीं बदल सकता। अक्सर जो आपका यूपीएससी है वो आपसे एग्जाम के एक महीने को छोड़ के, जो पिछले 3 महीने होते हैं या 4 महीने होते हैं, उसके करंट अफेयर पूछता है। इस बार भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जो थे थोड़े मुश्किल आए थे, लेकिन क्वेश्चन आपके उसी ड्यूरेशन के थे। तो अगर आप एग्जाम से पहले एक महीना छोड़ के जो पीछे के 4 महीने हैं, अगर आप उनके करंट अफेयर्स कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स आप इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दो, डेफिनेटली आपका सीरियस क्लियर हो जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन आपको पता है कि जो आप मेहनत करोगे इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, जो आपको मिलने वाला है इस मेहनत के बाद, यू विल रिमेंबर इट फॉर होल ऑफ योर लाइफ। तो मेहनत करो, ठीक है, इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू, जय हिंद।